आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज आखिरी दिन है। 22 सितंबर से अमेरिकी दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिग्गजों से मुलाकात की। 5 शीर्ष कंपनियों के CEO अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद 24 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो साथ ही बाइडेन ने गर्म जोशी के साथ PM मोदी का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान PM मोदी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमेशा ट्रस्टीशिप की वकालत करते थे। अमेरिका और भारत के संबंधों ट्रस्टीशिप की भावना की काफी अहमियत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज के समय में शांति और सहनशीलता के मूल्यों की जरूरत है, हमारी साझेदारी पहले से और ज्यादा बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2014 और 16 में आपसे विस्तार से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला था। आज राष्ट्रपति के रूप में आप उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। वहीं जो बाइडेन सरनेम को लेकर PM मोदी ने कहा है कि आपने बाइडेन सरनेम के लोगों को संबंध में भी जिक्र किया था, मैं कुछ कागजात लेकर आया हूं, हो सकता है इसमें से कुछ काम आ जाए। PM मोदी ने आगे कहा कि आपने उल्लेखनीय किया है कि 4 मिलियन से ज्यादा भारत के लोग अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। इस दशक में टैलेंट का अपना अलग महत्व है, ऐसे में भारतीय टैलेंट अमेरिका के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे, इसमें आपका भी योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा इस दशक में टेड की अहम भूमिका होगी। इन मुद्दों के अलावा PM मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान COVID-19 और जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हुई, जिसे लेकर PM मोदी ने कहा कि ये मुद्दे काफी अहम हैं। आपने पदभार संभालने के बाद कोविड से लेकर जलवायु परिवर्तन तक या फिर क्वाड में हर किसी में एक अलग पहल की है, जिसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आपको बताते चलें कि मुलाकात से पहले PM मोदी के स्वागत को लेकर व्हाइट हाउस के बाहर लोगों को हुजूम देखने को मिला। इससे पहले PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की थी। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।